बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9th चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट 17 डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। चैप्टर के अकॉर्डिंग जो स्टार्टिंग में थे हम लोग, तो वन बाय वन हमने स्टडी किया, ठीक है। लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इनको हम अलग से एक लेक्चर्स के रूप में इसको दे रहे हैं, और सम न्यूमेरिकल जो जिस टॉपिक पर बेस्ड है उसको आपको बता रहे हैं, ताकि चैप्टर खूब अच्छी तरह से तैयार हो जाए आपका, ठीक है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पहले भी हम स्टडी कर चुके हैं कि डाल्टन्स ने क्या बताया और उनका ड्रॉबैक क्या है, ठीक। द थियोरी दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटॉमिक थियरी। यानी जितने जो छोटे से छोटे जो पार्टिकल्स हैं, जिसको हमने क्या क्या था शुरू शुरू में मैटर कहा, और फिर इस कंसेप्ट को एक दूसरे टर्म दिया एटम के टर्म्स में, इस पॉइंट से रिलेटेड जो भी डिस्कवरी की गई, जो स्टडी किया गया, उसका एक नेम दे दिया गया जो है एटॉमिक थियरी। एटॉमिक थियरी जो आपका रहा डाल्टन का श्रेय रहा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि एटॉमिक थियरी किसने दिया, इन अदर वर्ड्स एटॉमिक थियरी इज बेस्ड ऑन, डाल्टन लिखा होगा, न्यूटन्स लिखा होगा, अदर भी लिखा होगा, तो आपका डाल्टन्स राइट। डाल्टन पुट फॉरवर्ड हिज एटॉमिक थियरी ऑफ मैटर इन 1808, इस ईयर्स में इन्होंने उस पर डिस्कस किया, उसके बारे में बताया। द वेरियस कंसेप्ट पॉस्टुलेट एजप्शन हाइपोथेसिस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी ऑफ मैटर एज गिवन बिलो। डाल्टन ने अपनी थियरी में क्या कहा, क्या कंसेप्ट दिया, ये पॉइंट्स। ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो भी मैटर है, जिस छोटे छोटे चीज से मिलकर वो बना हुआ है, उस छोटे से पार्टिकल्स को क्या कहा, एटम कहा। इसका एक एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे मान लो एक मकान बना हुआ है, तो मकान का सबसे छोटा पार्ट ब्रिक्स, जो हमारा ईंट होता है जिसको हम लोग ईंट कहते हैं, तो इस मकान का सबसे छोटा पार्ट, इन अदर वर्ड बायोलॉजिक कंसेप्ट में लाओ, जो हमारे एक सेल टिश्यू होता है एक बॉडी के लिए, वो आपका मिलता है, जिसको हम लोग एटम के टर्म में जानते हैं। एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम जब ये कहा गया, एटम में जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है, तो कहा गया कि ये डिवाइड नहीं हो सकता है डाल्टन के अकॉर्डिंग, जब इन्होंने स्टार्टिंग में अपना थ्योरी दिया। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। हम इसको ना ही तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। तो होता है क्या, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होता रहता है। एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स, देयर आर एज मेनी काइंड्स ऑफ एटम एज आर एलिमेंट्स। डिफरेंट टाइप के होते हैं, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन। ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट, हैविंग द सेम मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। की कह रहे हैं कि जो एटम है, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, वो क्या है, उनका मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, आइडेंटिकल हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जो भी एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं एटम के फॉर्म में, जो उनका सब कुछ आपका चेंज होगा, जो डिफरेंट हो जाए, मास के किसी का, ये सोडियम है उसका 23 माना गया एटॉमिक मास, मैग्नीशियम 12 24 मैग्नीशियम 24 एटॉमिक मास मान लिया गया। तो इस तरह से सबका जो भी एलिमेंट है सब डिफरेंट डिफरेंट के रूप में रखे गए हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स कंसिस्ट इन द ज्वाइनिंग टूगेदर ऑफ एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। कह रहे हैं कि एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनता है, इस टाइप से। इसे मान लीजिए, इसमें हमारा एक हाइड्रोजन है प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा
टू हाइड्रोजन, इसको हम ऐड कर दें तो वन हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन। बट लिखने का एक कंसेप्ट है, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म लिखना है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। टू हाइड्रोजन जो है इस पार्ट लिखा जाएगा। तो इस समय हमारा एक एटम के फॉर्म है, अभी हमारा ये मॉलिक्यूल के फॉर्म है। अदर एग्जांपल, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू टू ऑक्सीजन, ठीक है। मैथ के लैंग्वेज में इसको जीरो मत समझना, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू टू जीरो या 20, ऐसा नहीं है। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या वन वन टू हो गया, टू पार्ट ऑक्सीजन हो गया। अब मॉलिक्यूल्स के फॉर्म इसको लिखा जाएगा O2। तो ऑक्सीजन जो हमारा गैस है जिसकी स्पेशल मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। नाइट्रोजन N प्लस N इक्वल N2, नाइट्रोजन वन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसी तरह से आपका क्लोरीन भी लिख सकते हैं, Cl प्लस Cl इक्वल टू Cl2, ठीक है। तो ये आपका जो एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स, ये अदर एग्जांपल भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन में यहाँ थ्री पार्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं अमोनिया, दिस इज नोन एज अमोनिया। एक मॉलिक्यूल हो गया जिसमें वन नाइट्रोजन है और थ्री हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ है। तो यही कंसेप्ट कह रहा है, केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू आर मोर एलिमेंट्स कंसिस्ट इन द ज्वाइनिंग टूगेदर ऑफ एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जो भी कंपाउंड होता है एक मॉलिक्यूल्स के रूप में होता है, और जो बनता है वो अपने डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर कॉम्बिनेशन से होकर वो बनता है, ठीक है। तो ये रहा इनका कुछ डाल्टन्स का थियरी कंसेप्ट। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थियरी, तो डाल्टन ने जो अपना कंसेप्ट दिया उस समय जो कुछ दिया उसे सब राइट मान लिया गया, जैसे जैसे डेवलप हो गया समय के साथ, ठीक है, सर्च होता गया तो कुछ उसमें कमी पाया गया, तो उसको फिर एनालिसिस किया गया तो देखा गया कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो अब ये होगा, ये कंसेप्ट है। तो इसी को ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थियरी कह सकते हैं या लिमिटेशन भी कह सकते हैं, ठीक। क्या कंसेप्ट इनका है लिमिटेशन में दिया, वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थियरी ऑफ मैटर इज दैट एटम्स वेयर थॉट टू बी इनडिविजिबल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। शुरू शुरू में जब डाल्टन ने अपना मत कंसेप्ट दिया, कहा कि इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक, लेकिन बाद में जब सर्च हुआ नहीं तो ये हुआ कि अब इसको डिवाइड भी किया जा सकता है। वी नाउ नो दैट अंडर स्पेशल सरकमस्टेंस एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन अदर वर्ड सब एटॉमिक, इसको सब एटॉमिक कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जिसको कहा गया शुरू में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं उस छोटे से छोटा पार्ट को, तो अब जब डिस्कस किया गया तो ये बताया गया कि नहीं इसको भी डिवाइड किया जा सकता है, जो थ्री पार्ट्स में कन्वर्ट हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये इसका कंसेप्ट दिया। बाकी डिटेल हम चैप्टर 4 में स्टडी करेंगे इसमें क्या। तो ये कहा कि नहीं, जो जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते थे, जब सर्च किया गया बाद में तो ये पाया गया कि इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो किस रूप में डिवाइड किया, थ्री पार्ट में किया, यानी थ्री पार्टिकल्स के रूप में किया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनका बना। सो एटम्स आर themselves made up of three particles इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब ये कह दिए कि जो मैटर बना हुआ है वो थ्री पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। सेकेंड, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी से दैट ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट हैव एग्जैक्टली द सेम मास, जो भी है सबका मास सेम होगा। इट्स हाउएवर नाउ वी know that atoms of the same element can have slightly different masses, जो भी एलिमेंट होगा सेम बराबर के रूप में
उस उनका जो मास होता जो होगा वो डिफरेंट होगा, बहुत थोड़ा सा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन होगा डिफरेंस। डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी सेड दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। डाल्टन ने ही कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं एटम्स हैं, तो उनके मास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, साइज भी होंगे, शेप भी होंगे। इट इज हाउएवर नाउ नो दैट इवन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव द सेम मास। हो सकता है जब बाद में डिस्कस किया गया तो ये पाया गया कि जिसको हम डिफरेंट मास कह रहे थे अब वह सेम लगभग सेम होने जा रहा है। तो इस कंसेप्ट को आगे के चैप्टर में आपको बताया गया है आइसोटोप्स एंड आइसोबार, वो चैप्टर आपका 4 होगा। जब 4 चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर चीज कंसेप्ट आपको मिलेगा आइसोटोप आइसोबार, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट्स था, जो ड्रॉबैक था, ये लिमिटेशन भी कह सकते हैं, ठीक। तो जो डाल्टन थियरी का था, बाकी उन्होंने कुछ कहा तो सब मैच करता गया, सही पाया गया, कुछ पॉइंट पर जो डिफरेंट पाया गया, ठीक है। तो इस थियरी को लर्न करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है, नोट्स बनाएंगे। नोट्स तो आपको पहले भी बना होगा, थियरी में बनाए होंगे तो ठीक है, नहीं अगर लिखे होंगे तो इसके अकॉर्डिंग इसको मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिएगा। थैंक्स।